Hello students, so in Python fundamental in tokens we will discuss about the literals. ठीक है, तो अब literals क्या होती हैं? Literals means value. आपको पता है literals क्या होती है? Value. तो हमने last time क्या discuss किया था? String literal. Okay, string literal. Now we will discuss about the numeric literal. ठीक है, numeric literal क्या होते हैं? Numeric literal means कि स्ट्रिंग लिटरल में क्या था कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होती है. ठीक है, न्यूमेरिक लिटरल क्या होता है? न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू आप किसी वेरिएबल या कांस्टेंट को आप प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि अगर मुझे लिखना है ए, एज लिखा मैंने, ए इज इक्वल टू हुआ आपका 15. ठीक है, तो ये 15 क्या है? ये आपका न्यूमेरिक टाइप का लिटरल है, न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू है. ठीक है, अब ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है आपकी वो किस किस से बिलोंग कर सकती है? इंटीजर से बिलोंग कर सकती है, फ्लोट से, और कॉम्प्लेक्स नंबर. मींस जो न्यूमेरिक होता है आपका, जो नंबर है आपका, वो कैसा हो सकता है? इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा हाई लेवल के कैलकुलेशन पर्पज से यूज़ किया जाता है. तो मेनली जो अभी हम बात करेंगे वो करेंगे इंटीजर और फ्लोटिंग नंबर की. ठीक है, तो इंटीजर नंबर कैसे होते हैं? जैसे कि आपने दिया एज इक्वल टू 16. तो 16 क्या है आपका? इंटीजर नंबर है. इंटीजर कैसे? जिसमें कि आप होल नंबर यूज़ करते हो, डेसिमल नंबर यूज नहीं करते हो. ठीक है, तो ये आपका एज 16 है. आपका ये साइंड और अनसाइंड हो सकता है, जैसे कि प्लस 16, माइनस 16. ठीक है, माइनस 3, 2, 7, 6 इस तरीके से. ठीक है, कोई भी नंबर प्लस और माइनस का कोई नंबर विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट, यानी विदाउट एनी डेसिमल पार्ट. ठीक है, तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर. वो क्या होता है? इंटीजर नंबर. और इंटीजर नंबर जब हम पाइथन प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? इंट. ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में हम इंट कोई इंटीजर नंबर हमें लेना है तो हम कैसे यूज़ करें, तो हम उसको देखेंगे इनपुट जब हम करेंगे. नेक्स्ट है फ्लोटिंग नंबर. फ्लोटिंग नंबर क्या होता है कि जैसे न्यूमेरिक लिटरल आप ले रहे हो तो ऐसा नहीं है कि हर बार आपको इंटीजर टाइप का नंबर ही लेना है, विदाउट डेसिमल नंबर लेना है. तो जैसे मार्क्स हैं आपके, मार्क्स इक्वल टू 78.5. ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका? डेसिमल, यानी कि फ्लोटिंग नंबर हुआ. तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोट नंबर बोलते हैं. ठीक है, तो आगे है कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर मैं आपको बता देती हूँ. ये होता है ए प्लस बी जे. ठीक है, जिसमें ए और बी क्या है? आपके रियल नंबर होते हैं, लेकिन जे किसको रिप्रेजेंट करता है? माइनस वन, इमेजिनरी नंबर रहता है इसमें. ठीक है, और ये इसको, लेकिन अभी हमें मेनली बात करनी है इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की. ठीक है, तो अब आपका क्या जो है इंटीजर है, आपको पता चल जाए इंटीजर किस टाइप का है? जो आपके होल नंबर है, प्लस माइनस हो सकते हैं. ऐसे ही फ्लोटिंग नंबर क्या होते हैं? डेसिमल में होते हैं. अब इंटीजर भी क्या है? इंटीजर भी 3 टाइप्स के हैं आपके पास. हम इन टाइप्स ऑफ इंटीजर को डिस्कस करेंगे. टाइप्स ऑफ इंटीजर, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इंटीजर में क्या है? जैसे कि इंटीजर नंबर है आपका डेसिमल इंटीजर नंबर. फर्स्ट आता है आपका डेसिमल इंटीजर नंबर. ठीक है, तो डेसिमल इंटीजर नंबर कौन सा? जैसे नॉर्मली हम नंबर यूज करते हैं विद साइंड और अनसाइंड, प्लस 3, 2, 7, 6, माइनस 3, 2, 7, 6, 5, 7, 5, 6 इस तरीके से. विदाउट एनी डेसिमल नंबर इज नोन एज डेसिमल इंटीजर नंबर. एक होता है हमारे पास ऑक्टल नंबर, ऑक्टल इंटीजर नंबर. ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर ऐसे नंबर हैं कि आपको शायद अभी ये पूरा कंसेप्ट क्लियर ना हो हेक्साडेसिमल, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी. हेक्साडेसिमल इंटीजर नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर जब आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट करेंगे यूनिट 1, तब आपको क्लियर होगा कि ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर्स क्या होते हैं. लेकिन अभी यहाँ प्रोग्रामिंग पर्पज से आपको सिर्फ इतना जानना है कि जो ऑक्टल इंटीजर नंबर है वो अगर नंबर दिया गया है तो किससे स्टार्ट होगा? 0 और फिर क्या नीचे क्या होगा? ओ. ठीक है, 0 और ओ मीन्स कोई भी नंबर अगर 0 और ओ से स्टार्ट हो रहा है मीन्स वो क्या है? ऑक्टल नंबर है. इसके बाद
ऑक्टल नंबर के लिए ऑक्टल नंबर का जो बेस होता है वो क्या होता है, 8 होता है। ऑक्टल नंबर का बेस क्या रहता है, 8 होता है, जैसे कि 34 का 8, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर शायद ना हो, 34 नंबर है, 34 आपका डेसिमल नंबर और आपका क्या है, ये 8 है, 8 मीन्स ऑक्टल नंबर, ठीक है। तो ऑक्टल नंबर हम क्या करते हैं, इस 34 को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, ये ठीक है। तो 34 जैसे ये दिया 34, हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्टल में नंबर कन्वर्ट किया जाता है। अब ऑक्टल का जो बेस होता है वो क्या होता है, 8 होता है। तो 8 का मीनिंग क्या है कि जो ऑक्टल नंबर है वो कितने नंबर से लेते हैं, 0 to 7 नंबर से लेते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें 8 और 9 आपके जो नंबर हम कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 9 है, लेकिन इसका बेस ऑक्टल नंबर का बेस क्या होता है, 0 to 7 होता है। तो इसका मीनिंग क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सिर्फ ये 8 डिजिट्स ऑक्टल नंबर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं दे देती हूँ 1, 2, 5 तो ये करेक्ट ऑक्टल नंबर है, ठीक है। इसके अलावा मैं अगर ऐसे दे देती हूँ 0 और फिर ओ दिया मैंने और यहाँ पे मैंने दिया 8, 3, 4 तो ये क्या होगा, इनकरेक्ट ऑक्टल नंबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने कौन सा नंबर लिखा है, 8। और जो ऑक्टल डेसिमल नंबर होते हैं, ऑक्टल इंटीजर नंबर होते हैं, उसमें 8 नहीं होता, क्योंकि उसका बेस क्या है, 8 है। तो 0 से 7 तक के नंबर देते हैं, 0 से स्टार्टिंग होती है, 0 to 7 तो पूरे 8 डिजिट्स हो जाती हैं। तो इस तरीके से आपका ऑक्टल नंबर फॉर्म होता है। तो यहाँ पर ये बताने का पर्पज सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है, कई बार उस क्वेश्चन में ऐसे पीछे जो एक्सरसाइजेस दिए रखी हैं वो ऑक्टल इंटीजर नंबर से रिलेटेड भी हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि इसका बेस क्या होता है, इसका बेस है 8। ऑक्टल नंबर का बेस होता है 8, इसीलिए वो 0 to 7 तक के नंबर लेगा, इसलिए ये वाला नंबर करेक्ट होगा और जिसमें 8 दिया गया वो इनकरेक्ट होगा, ठीक है। अगर 9 भी आ जाता है तो वो भी इनकरेक्ट होगा, और इवन कि अगर आप 0 और ओ से फॉलो नहीं कर रहे हैं नंबर तो वो भी इनकरेक्ट होगा। तो इसीलिए जो ऑक्टल इंटीजर नंबर है 0 ओ और फिर उसके बाद 0 to 7 तक के नंबर जितने होंगे वो ऑक्टल नंबर होगा। अब हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर का बेस होता है 16, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर का बेस है 16। अब हेक्साडेसिमल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 और फिर एक्स, ठीक है। स्मॉल एक्स भी कैपिटल एक्स भी दोनों ही चल सकते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर 0 और इसका बेस क्या है, 16। अब हमारे पास डिजिट्स कितने होते हैं, 9 होती हैं, यानी 0 to 9। तो हम 0 to 9 तक के नंबर सारे के सारे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो बाकी के नंबर बचे 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, 0 to 15 हम ले सकते हैं, लेकिन नंबर डिजिट्स हमारे कितने हैं, 0 to 9 है। बाकी के जो करेक्टर्स जो बचे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेटर्स यूज करते हैं, A to F, ठीक है। तो 0 to 9 और A to F, ओके। तो हम इस नंबर को कैसे फॉर्म करेंगे, 1, 3, A, E, तो ये क्या है आपका, करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। और अगर मैं इसको कैसे लिखती हूँ, 0, X, यहाँ पे मैंने लिखा 9, G, A, B, तो ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, क्योंकि इसमें क्या लिखा गया है, G, और G आपके हेक्साडेसिमल नंबर में नहीं है। तो ये कंसेप्ट आपका जब आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन करेंगे वहाँ पे कन्वर्जन आएगा कि आपको डेसिमल नंबर दिया गया है उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है या ऑक्टल में कन्वर्ट करना है या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तब आपका ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ओके। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ इंटीजर, इंटीजर वैल्यू जो नॉर्मली हम अभी प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे, हम इस तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है, इंटीजर नंबर और फ्लोटिंग नंबर को। इसके अलावा आपके पास एक तो ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, न्यूमेरिक लिटरल। तो अब है आपके पास एक और बूलियन लिटरल, ओके। तो नेक्स्ट है बूलियन लिटरल, तो नेक्स्ट इज थर्ड इज बूलियन ओके। तो बूलियन लिटरल क्या है आपका,
Python contain only two values. It contains two values. ये टू वैल्यूज कौन कौन सी होती है, ट्रू और क्या है फॉल्स. ठीक है, तो आपके पास बूलियन लिटरल में कितनी वैल्यूज है, टू वैल्यूज होती है ट्रू और फॉल्स. कई बार क्या होता है कि प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो आपको कुछ कंडीशंस चेक करनी पड़ती है, तो जो रिजल्ट आएगा कंडीशन का किस फॉर्म में आएगा, ये तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा. ठीक है, तो कंडीशन में दो ही रिजल्ट हो सकती है, जो ट्रू होगा या फॉल्स होगा. जैसे कि सपोज करो मैं चेक करती हूँ कि 10 इज ग्रेटर देन 9, तो क्या है आंसर, 10 9 से ग्रेटर है या नहीं है, ट्रू है ना, तो इसका रिजल्ट क्या होगा आपका, ट्रू. और एक चीज़ और ध्यान रखनी, देखो ट्रू मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ, आपको भी ऐसे ही यूज़ करना है. आप अपनी मर्जी से लेटर्स को नहीं लिख सकते हो पाइथन में. अगर ट्रू का टी कैपिटल है तो आपको टी कैपिटल ही लिखना पड़ेगा. प्रिंट का पी स्मॉल है तो आपको स्मॉल ही लिखना पड़ेगा. आप अपनी मर्जी से कैपिटल और स्मॉल यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है ना, तो यहाँ पर इसी तरीके से अगर मैं लिखती हूँ 10 less than 9, तो ये क्या, इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स. तो प्रिंट कैसे करेंगे आप, प्रिंट करने के लिए आप क्या करेंगे, प्रिंट 10 is greater than 9, यस, इसका रिजल्ट क्या है, ट्रू, इसका आउटपुट आया है. ठीक है, तो आपको पता है कंप्यूटर में जो भी रिजल्ट आता है हम उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं. और यहाँ पे इसी तरीके से मैं प्रिंट करती हूँ, प्रिंट 10 is less than 9, फॉल्स. ओके, तो ये क्या है आपका, बूलियन लिटरल. नेक्स्ट है आपका, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसमें टू ही वैल्यूज होती है, ट्रू या फॉल्स. कई बार कंडीशंस हमें चेक करनी पड़ती है, नेचुरल है, लाइफ कभी स्मूथली नहीं चलती, आपको हमेशा कुछ ना कुछ कंडीशंस को चेक करना पड़ता है, तो रिजल्ट भी सिर्फ या तो ट्रू होगा या फॉल्स ही होगा. ओके, नेक्स्ट इज एक नॉन लिटरल है आपके पास, दैट इज स्पेशल लिटरल. स्पेशल लिटरल नॉन. अब ये नॉन क्या होता है, ठीक है, नॉन का मीनिंग क्या है, कि नॉन मीन्स देर इज नो यूजफुल इंफॉर्मेशन और देर इज नथिंग हियर. नॉन मीन्स there is no useful information. कई बार क्या होगा कि हमने प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कुछ भी, मीन्स जैसे मैंने किया दिया कि लास्ट नेम ले दिया. ठीक है, लास्ट नेम, हालांकि सबका लास्ट नेम होता है लेकिन यहाँ पर पहले की आपको बता रही हूँ, उसने क्या दिया, नन दे दिया, नन. ठीक है, नहीं शो करना चाहते लास्ट नेम, तो नन. ठीक है, तो इस तरीके से आप वैल्यू क्या दे सकते हो, नन दे सकते हो. नन का मीनिंग क्या है, नन मीन्स देयर इज नो यूजफुल इंफॉर्मेशन, कोई कुछ नहीं है यहाँ पर. ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में जब हम करते हैं इसको, तो प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ कि कहाँ पर किस तरीके से ये वैल्यू को प्रिंट करेगा. तो देखिए यहाँ पर जैसे शेल प्रॉम्प्ट पे ही हम कर रहे हैं, शेल प्रॉम्प्ट पे आपने किया वैल्यू 1 इक्वल टू 10, वैल्यू 2 मैंने यहाँ पे दिया है नन, वैल्यू 2 क्या दी है, नन. अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्या किया है, वैल्यू 1 को प्रिंट करा दिया. अब वैल्यू 1 को आप ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट वैल्यू 1 आप ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, और आप इस तरीके से भी प्रिंट कर सकते हैं, मैं दोनों ही आपको बता देती हूँ, आप ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं. डायरेक्ट अगर आपको लिखना है ना, तो आप ऐसे वैल्यू 1 दे दो, ठीक है, वैल्यू 1 दोगे आप, वो उसका रिजल्ट प्रिंट करेगा. ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या दिया है, वैल्यू 1 इक्वल टू 10 दिया, वैल्यू 2 इक्वल टू क्या दिया, नन दिया, वैल्यू 1 दिया, तो वो क्या करेगा, क्योंकि ये आपका शेल प्रॉम्प्ट है, शेल प्रॉम्प्ट पे रिजल्ट कैसे आता है, साथ के साथ आता चला जाता है. तो वैल्यू 1 के बाद जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, तो वैल्यू 1 में क्या है, 10 है, इसलिए 10 प्रिंट कर दिया. ठीक है, अब मैंने क्या किया है, शेल प्रॉम्प्ट पे अगेन मैंने सोचा कि चलो वैल्यू 2 को भी प्रिंट करते हैं, वैल्यू टू को प्रिंट किया, उसने कुछ भी शो नहीं किया. ठीक है, क्यों शो नहीं किया, क्योंकि वैल्यू 2 में क्या है आपका, नन है.
वैल्यू टू में मैंने क्या दिया है, नन दिया है, तो उसने जब आप वैल्यू टू को आप इस तरीके से प्रिंट करेंगे ना तो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने वैल्यू टू जिसमें कि आपने नन रखा है, अगर आप उसको प्रिंट के थ्रू प्रिंट करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट करवाएंगे वैल्यू टू, ठीक है, देन इट विल प्रिंट नन। ठीक है, वैल्यू टू का मीनिंग सिर्फ इतना है कि नन का मीनिंग सिर्फ इतना है कि इसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। सिर्फ प्रिंटिंग की वे में भी मैंने आपको डिफरेंस क्लियर कर दिया कि अगर आप की किसी वेरिएबल में वैल्यू है आप उसको डायरेक्ट प्रिंट करते हो तो उसकी वैल्यू को प्रिंट करता है, लेकिन जिस वेरिएबल में आपने नन को रखा है और आप उसको एज इट इज प्रिंट करना चाहते हैं वैल्यू टू और डायरेक्ट लिखते हैं तो उसको प्रिंट नहीं करेगा उसमें, क्योंकि उसमें कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसको प्रिंट नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू करवा रहे हैं तो एक फोर्स हो गया कि प्रिंट करना है, ठीक है, तो जब प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू किया तो उसने नन को प्रिंट कर दिया। तो ये थे आपके लिटरल्स। एक और लिटरल आपका बचा है, फिफ्थ इज ऑपरेटर्स, दैट इज वाइड लिटरल, ठीक है ना, बहुत बड़ा टॉपिक है ऑपरेटर्स। और नॉर्मली प्रोग्रामिंग में आप ऑपरेटर्स को यूज करेंगे, आपकी क्वेश्चनिंग भी बहुत ज्यादा रहती है ऑपरेटर्स में से, तो उसका एक अलग से वीडियो बनेगा तो आप उसको देखेगा। और इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको क्वेरी है, देन यू कैन आस्क, इसके जो नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन टॉक टू मी। थैंक यू।